भाई धक्का मत मारो, कौन है कौन है कौन है धक्का मार रहा है? पे खड़े होकर लेते ना सामने। हाँ, नहीं एक बार भाई यहाँ सेंटर में देखना। अब चलो तो रास्ता हो जाएगा। हाँ मैं सोच रहा हूँ चलो पीछे चलते हैं। चलो 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 पीछे चलो। एक मिनट बारिश भाई भीगे तो नहीं? बारिश ही नहीं आई। हाँ बारिश नहीं आई, सही बात है भाई। आज तो कह रहे थे कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई भाई। पीछे आराम हुई नहीं। देखिए भाई मोबाइल मत डालो, मोबाइल एक मिनट रुक लो भाई। आने दो भाई को। नहीं अब यहाँ नहीं करते, यहाँ लाइट नहीं है। अरे लाइट नहीं है, स्टेज पे करेंगे। होते प्रतीक भाई बिग बॉस वेलकम सर, कैसे हैं? मुबारक हो आपको, मतलब मुखड़े पे मर गए और पूरा देश आपके मुखड़े पे मर रहा है सर। आपके मुखड़े पे मर रहे हैं, आपकी बातों पर मर रहे हैं। जैसे आप आए सबने कैमरा वहां घुमा लिया। हाँ तो जैसे मान लो, मैं सच बता रहा हूँ कि बिग बॉस भी इनसे पर्सनल प्यार करते थे। इनको कन्फेशन रूम में सबके सोने के बाद बुलाते थे। बिग बॉस चाहते हैं प्रतीक कन्फेशन रूम में आए। और उसके बाद फिर प्रतीक भाई जाते थे और जो कमाल इन्होंने किया है। प्रतीक भाई सबसे पहले थोड़ा आप अपना चेंज कर लो ना। मैं कह रहा हूँ सर, सबसे पहले आपका एक गाना इससे पहले बहुत बड़ा हिट हुआ, पूरा देश आपको वैसे डिजिटली बहुत प्यार करता है और बहुत, मतलब मैं समझता हूँ जो फैन फॉलोइंग है यंगस्टर्स में इस वक्त, जो आपकी फैन फॉलोइंग है, जो मोहब्बत और ख़ास तौर पर इनकी फीमेल फैन फॉलोइंग, मतलब मिलियंस एंड बिलियंस, मतलब सब कमाल है। और ये वो फीमेल्स यहाँ पे तो मेरे को सारे मेल्स दिख रहे हैं सर, ये सब जानते हैं हम, सब मेरे भाई हैं, ये सब मेरे सारे भाई आए। मैं देखो कोई फीमेल नहीं आई। 5 जुलाई को जी म्यूजिक पे एक हमारा गाना रिलीज हुआ मुखड़े पे मर गए। जैसे मैंने अभी कहा कि इंडस्ट्री के सारे बड़े स्टार इनसे डर गए जस्ट बिकॉज ये दिशा जी के मुखड़े पे मर गए। तो सर कुछ बताएं प्रतीक भाई गाने के ऊपर। देखो महेंद्र जी ने मुझे बोला कि उसके मुखड़े पे मरना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप बोल रहे हो तो मर जाते हैं। तो मर गए, सर ने बोला तो हम मर गए थे। और क्या कर सकते हैं, बड़े हैं तो हम रिस्पेक्ट करते हैं। असल में मर गए, क्या बात। और मैं सीरियसली कह रहा हूँ आप लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हैं गाने में, क्योंकि पोस्टर अब तो हम गाना देखेंगे अंदर जाके, तो ऑलरेडी पूरा देश देख रहा है, पूरे देश से प्यार मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, कैसा महसूस हो रहा है? मैं तो हमेशा इस चीज़ को ना कभी भी इस तरीके से नहीं लेता कि यार प्यार मिल रहा है तो फिर अब बस अब बैठ जाओ, अब ठीक है ही, अब तो जो है वो है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं कैसे इस चीज़ को और बेहतर करता हूँ, अपनी कला के सहारे यू नो और प्यार लोगों से ले पाऊँ और प्यार बटोर पाऊँ, और कैसे ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ रोज सुबह उठ के, और क्या नया कर पाऊँ जिससे और प्यार ले पाऊँ लोगों से। अच्छा प्रतीक भाई एक क्वेश्चन आता है सर हमेशा, आप ले लीजिए सर जी बड़े परेशान। हाँ प्रतीक भाई एक क्वेश्चन ये हमेशा आता है। ओके ना मिल रहा है ना? हाँ मिल रहा है ना सर आप? हो गया सर, हो गया सर। प्रतीक भाई एक क्वेश्चन ये आता है, आपने इतना इतना एक्शन किया है टेलीविजन पे यहाँ वहाँ एंड ऑल ऑफ ए सडन इतने रोमांटिक हो गए, ये जर्नी मतलब थोड़ा सा बताएं प्लीज। मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके अंदर रोमांस होता है। मेरी लाइफ का मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि मुझे रियल लाइफ में तो रोमांस करना नहीं है, तो मैं रियल लाइफ में ही कर लूँ। तो क्योंकि रियल लाइफ में तो मैंने जितना रोमांस किया सब फेल हुआ है भाई, सब मतलब क्या बोलो मैं, सब फ्लॉप हो गई, वो सारी रियल लाइफ वाली सारी पिक्चरें फ्लॉप हो गई। तो मैंने सोचा कि यार अब रोमांस इतना भरा हुआ निकालूँ कहाँ पे, तो रील में ही कर लेता हूँ यार, कम से कम कहीं तो करूँ, क्योंकि ये कहीं जाने तो वाला है नहीं। तो वैसे ही मैंने कहा कि चलो इस चीज़ को कहीं तो चैनलाइज करूँ इस एनर्जी को। नहीं सीरियसली पूरा देश, पूरा मैं समझता हूँ पूरी दुनिया आपसे प्यार कर रही है। धारीवाल सर बहुत 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 शुक्रिया इतने खूबसूरत गाने के लिए, और वो कहते हैं कि आपकी मेहनत सफल हो और अच्छे हो कर्मा। आप मंच पे खड़ रहे हो और बात कर रहे हो, मतलब जिनके प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो उनका नाम है टीनू वर्मा, तो वो सर यहाँ पे अभी है नहीं, थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे विराम लेते हैं
और हम अंदर की जानिब चलते हैं और गाना देखते हैं, गाना एंजॉय करते हैं। आप लोग भी चलिए और प्लीज थैंक यू सो मच। फोटो 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 एक साथ में सब लोग यहाँ पे देखिए। एक बार मैं सबके सामने वेलकम करता हूँ, दिशा गुप्ता जी हमारे पास आ चुकी हैं, हमारे नहीं सर दिशा गुप्ता जी हैं जिनके मुखड़े पे प्रतीक भाई मर गए हैं, उनका लेट आना बनता है और इंतजार बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया दिशा जी, कैसा लग रहा है गाना रिलीज हुआ है? पूरा देश प्यार दे रहा है, रील्स बन रही है, शॉर्ट्स बन रहे हैं और कमाल का रिस्पॉन्स आ रहा है, कैसा लग रहा है? थोड़ा वॉल्यूम कौन है आगे? I don't think there's any such word or any such statement that can express how I'm feeling right now. बचपन से हीरोइन बना था, finally आज बन गई, so I think it's मैं इतना बोलूँगा कि ये जब छोटी हीरोइन थी तब मैं बच्ची थी, अब मैं बड़ी हो गई है रिलीज होकर तो देखिए वैसे बताने की जरूरत नहीं, पूरा हम सब देख रहे हैं आप लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये मैं समझता हूँ मिलियंस एंड बिलियंस लोग कह रहे हैं। हम ज्यादा टाइम नहीं लेते, सीधे हम चलते हैं गाने की तरफ, गाना देखते। आपने मेरे से एक अंदर क्वेश्चन किया था कि इन दोनों में से या आर्टिस्टों में से या डायरेक्टर में से ज्यादा नखरे किसके, ये क्वेश्चन किया था, इसका रिप्लाई तो है, मैं दूंगा इसका जवाब। सबसे ज्यादा हीरो नहीं नहीं हीरो नहीं हीरोइन के ज्यादा नखरे सर, सताया किसने सबसे ज्यादा? हीरोइन हीरोइन ने ओनली। मैं बताऊं हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो अलग सुपरस्टार हैं, उनके ज्यादा नखरे हैं हम सबसे। देखिए भाई हीरोइन को जो है 7 स्टार होटल चाहिए, है पूरे वर्ल्ड में दुबई में तो 7 स्टार तो पॉसिबल है ही नहीं। नहीं क्यों नहीं है, इंडिया में है, क्या बात कर रही है, 8 स्टार भी है यार, उमेश पहले सबसे ऊपर है। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा ये है प्रदीप भाई आपसे, दिशा जी आपसे भी, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है। तीनों सर के डायरेक्शन में मैं समझता हूं बड़े-बड़े स्टार काम करते हैं क्योंकि एक्शन मास्टर है, बट वो रोमांटिक मूड में आए हैं, आप लोगों को उन्होंने कैसे हैंडल किया, कैसे उनके डायरेक्शन में आप इजीली काम कर रहे हैं? शाम बीत जाएगी, रात बीत जाएगी, दिन बीत जाएंगे, हम बात नहीं खत्म हो पाएगी, क्योंकि तीनू सर जो है ना मतलब वो बहुत ज़रा मस्ती करते हैं, बहुत फन है वो, मतलब उनके साथ शूट करते करते बहुत मज़ा आता है एक्चुअली। सो बहुत कॉमेडी हुई, बहुत हम तो मैं तो एक पॉइंट पे हंस के पागल ही हो गया, क्योंकि बहुत वो उनके जो जोक्स होते हैं वो नेक्स्ट लेवल है, सो बहुत ही नेक्स्ट लेवल जोक्स हैं। और मतलब मैं क्या बताऊँ, फुल ऑन उनके जो एक्सपीरियंस, कितने सालों का एक्सपीरियंस जो है ना वो सब, मतलब उन्होंने हमको जितना भी बता पाए बताया और हम हंस के पागल हो गए थे, इतना बता सकता हूँ। मतलब नेक्स्ट लेवल, अरे थोड़ा ये नहीं ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं, चलिए आइए गाने की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। अरे टेबल हटा दो ना, अपने अपने शूज सैंडल्स भाई, सेंटर में आओ ना, सेंटर में बस हां अभी दिख रहा क्वेश्चन। अरे भाई लुक सेंटर, लुक सेंटर भाई, सामने भाई, लुक सेंटर यहां पे, संदीप भाई यहां पे, लुक सेंटर फोटो हुआ नहीं है साथ में। विजय भाई टेबल हटा दो ना पूरा, नहीं वापस नहीं चाहिए, अभी चाहिए भाई, अभी इस पे कैप्शन मिलेगा। प्रतीक भाई से हुई गलती, टकराने वाले थे अपनी को एक्टर के साथ।